कर दी है बेटा, रिकॉर्डिंग कर लो बेटा। ठीक है बेटा, आगे ऑप्शन आपके पास। नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, मनप्रीत सर गुड मॉर्निंग, निशा मैडम गुड मॉर्निंग। मैं देवी जयपुरी स्कूल की तरफ से और प्रधानाचार्य जी की ओर की तरफ से आप दोनों का स्वागत करता हूं। हमारे 7C और D के बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में। आपने बहुमूल्य समय दिया है हमारे बच्चों के लिए, रोड सेफ्टी एक्टिविटी के लिए आपने बहुत समय दिया है, उसके लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं आपसे मिलने के लिए और जानकारियां लेने के लिए। तो मैं आपको कमांड देता हूँ, आज हम आप बच्चों को जो भी एक्टिविटी कराएंगे बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुमूल्य समय दिया है हमारे बच्चों के लिए, विद्यालय की तरफ से और प्रधानाचार्य की तरफ से भी आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप आज की एक्टिविटी शुरू करिए। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है और मैं होंडा कंपनी की तरफ से एज ए सेफ्टी इंस्ट्रक्टर आपको कुछ रोड पर चलते समय किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है उसके बारे में कुछ टिप्स दूंगा आपको। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एज ए रोड यूज़र आप किस तरह से अपने आप को और अपनी फैमिली को भी सिक्योर कर सकते हैं। जैसे कि आप सब बच्चे जानते हैं इस समय COVID-19 का टाइम चल रहा है, इसी के कारण अब हम जितने भी लोग हैं सब अपने अपने घरों में हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आपको एडवाइजरी है या एडवाइस दिया गया है कि आप जब भी आप अपने घर से निकलते हैं या घर में हैं आप, तो कुछ एडवाइजरीज हैं उनकी तरफ से कि आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ आप अपने हाथों को साफ कीजिए, सैनिटाइज कीजिए या हैंड वॉश कीजिए। तो ये सब जो है वो एक प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको एडवाइस किया गया है। और क्योंकि इस समय हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो अपनी लाइफ को सेव करना है, तो जितना हम लोग इसको सीरियसली लेंगे उतना ही हम लोग जो है अपने आप को COVID-19 से जो है वो सिक्योर कर पाएंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो वायरस के चांसेस हैं जो हमें हार्म कर सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो लेकिन चांसेस हैं, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम प्रिकॉशन जो है कुछ लेते हैं ताकि हम अपने आप को सेफ रख सकें। सेफ इसी तरह से रोड सेफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो एज ए रोड यूज़र कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने होंगे, जो हमारे ट्रैफिक अथॉरिटीज़ हैं वो आपको एडवाइस करती हैं। और एडवाइस करने के साथ साथ जहाँ लगता है कि अगर ये रूल मतलब जो हमने एडवाइस किया लोगों को, फॉर एग्जांपल अगर हेलमेट पहनने के लिए कह रखा है, तो अगर लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं फिर भी उस एडवाइस के बाद भी, तो लोग क्या करती है गवर्नमेंट के एक रूल बना देती है, अगर जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा उनको पनिश किया जा सकता है। सेम जैसे अगर देख रहे हैं COVID-19 में अगर लोग जो है इसको फॉलो नहीं करते हैं एडवाइजरी को, तो लॉकडाउन का जो है हमें उस तरफ जाना पड़ता है, फोर्सफुली करनी पड़ती है उसको लागू करने के लिए ताकि लोग जो है वो सिक्योर रहें। सेम इसी तरह से रोड पर चलते समय कुछ एडवाइजरी हैं या कुछ मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ध्यान से इस सेशन को सुनें और इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें। आप देखिए रोड यूज़र अभी हम छोटे बच्चे हैं, हमें हमारे पास राइट नहीं है कि हम कोई भी व्हीकल जो है ऑन द रोड चला सकते हैं, क्योंकि 18 ईयर्स से पहले आप लोग रोड पर नहीं जा सकते एज़ पर लॉ के हिसाब से भी और एज़ पर आपकी फिजिकली और मेंटली कंडीशन। मेंटली कंडीशन का मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा एक्टिव नहीं है या बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, फिजिकली की अगर हम बात करें कि अगर आपके मान लीजिए हाइट कम है, अभी आप छोटे हैं, पैर ही अच्छे से नहीं लग रहे हैं, फिर भी आप देखते हैं कई बच्चे जो हैं वो टू व्हीलर चलाने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही रिस्की है वो। अगर मैं कहूँ कि 9th, 10th और 11th के बच्चे हैं उनको अलाउ होना चाहिए क्योंकि उनकी हाइट ठीक है, तो वो भी ठीक नहीं है क्योंकि वो मेंटली अभी इतने मैच्योर नहीं हुए हैं।
और मैच्योर नहीं हुए हैं तो क्या होगा, वो डिसीजन लेने में जो है वो जल्दबाजी कर सकते हैं, एक्साइटमेंट हो सकती है, ठीक है, या थ्रिल या एक्साइटमेंट, क्योंकि ये जो एज है ये इस तरह की एज है, जैसे आप देखते हैं ना बच्चे कुछ लोग गेम वगैरह खेलते हैं, तो गेम है। मान लीजिए अगर आप गेम में कोई कार चला रहे हैं या टू व्हीलर चला रहे हैं तो क्या होगा, एक्सीडेंट होता है, ठीक है, पर्सन उठता है, खड़ा हुआ, फटाफट दौड़ता हुआ गया, दूसरी गाड़ी ली और फिर से चलाने लगते हैं। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है। तो ये जो रियल लाइफ में अगर आप टू व्हीलर वो चलाते हैं या कार चलाते हैं, तो उसके लिए आपको 18 ईयर्स का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप फिजिकली और मैच्योरली व्हीकल्स को राइड कर पाएं। तो एक जो डिसाइड किया गया 18 ईयर्स का, वो गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है और वो बहुत ज़रूरी भी है बहुत, ठीक है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, जब तक आप 18 ईयर्स के ना हो, प्लीज़ आप कोई भी व्हीकल ऑन द रोड नहीं चला सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टू व्हीलर पर चलते समय हम किस तरह से अपने आप को सिक्योर रखें। टू व्हीलर पर आपको पता ही है, हेलमेट पहनना जरूरी है, आपको पता है, मुझे भी पता है, लेकिन क्या वाकई में जितने भी लोग रोड पर चल रहे हैं सब लोग हेलमेट लगा रहे हैं? नहीं। तो उसका क्या रीज़न है, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? क्या फोर व्हीलर में, अगर हम बात करें फोर व्हीलर में, अगर आप चल रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट लगानी चाहिए। तो क्या सीट बेल्ट सिर्फ आगे बैठने वालों को ही लगानी चाहिए, सबको लगानी चाहिए? तो ऐसे कुछ आप देखेंगे क्वेश्चन है जिनके आपको अभी आंसर जो है वो अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हम टू व्हीलर की बात करें, और मैं ये पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ आपको, इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं एक बच्चा है जिसने कि हेलमेट पहन रखा है। आई थिंक ये आपकी एज के आसपास का बच्चा है, 10-12 साल का है ये बच्चा। तो क्या हमने इंडिया में इस तरह से लोगों को यानी बच्चों को, आपके जो साथ में बच्चे पढ़ रहे हैं या आपके सोसाइटी में आसपास जो बच्चे हैं, इस तरह के आपने कुछ बच्चे देखे हैं जिन्होंने हेलमेट लगा रखा हो और वो टू व्हीलर पर राइड कर रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ? आई थिंक बहुत ही कम बच्चे आपने देखे होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भी इंडिया में ऐसा ट्रेंड है ही नहीं है। अगर बाई चांस आप अपने फादर के साथ जा रहे हैं और पीछे बैठे हुए हैं, फादर ने हेलमेट लगा रखा है और आपका टू व्हीलर जो है वो स्लिप कर जाता है या कोई और दिक्कत होती है या एक्सीडेंट होता है, तो आपके पापा जो है वो तो सिक्योर हो जाएंगे क्योंकि हेलमेट लगा रखा है, लेकिन आप अनसिक्योर हो जाएंगे क्योंकि जब व्हीकल डिसबैलेंस होगा तो आप दोनों ही लोग बैठे हैं उस पर, या आपकी मदर बैठी है पीछे और उन्होंने भी हेलमेट नहीं लगा रखा है। इट मीन्स जिस घर के अंदर अगर टू व्हीलर अवेलेबल है वहाँ तीन हेलमेट होने चाहिए, एक तो जो राइड करेगा उसके लिए, दूसरा जो पीछे बैठ रहा है, आपकी मदर, आपके ग्रैंडफादर या आपके कोई और जो हैं ब्रदर सिस्टर हैं जो बड़े हैं वो बैठे हैं तो उनके लिए, और एक हेलमेट आपके लिए भी होना चाहिए क्योंकि सबके फेस का जो साइज़ है अलग अलग होता है, बच्चों के लिए अलग से हेलमेट आता है, ठीक है। हेलमेट मीन्स हेलमेट आपको प्रॉपरली फिट होना चाहिए, ज़्यादा लूज़ और ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ जब आप हेलमेट पहनते हैं, हेलमेट पहनने के बाद उसकी स्ट्रिप को लॉक शुरू करें, और लॉक करने के बाद टू फिंगर का गैप होना चाहिए आपकी चिन और लॉक के बीच में, टू फिंगर का गैप होना चाहिए। ज़्यादा टाइट होगा तो मूवमेंट में दिक्कत होगी और सांस लेने में भी दिक्कत होगी, आपको फंसा फंसा ऐसा लगेगा, लेकिन ज़्यादा लूज होगा तो वो निकल भी जाएगा इजीली। तो आपने देखा होगा कुछ लोग जो हैं अपना घर से निकलते हैं, हेलमेट बाजू में टांग रखा होता है, जैसे ही मेन रोड में मर्ज करते हैं तो वहाँ चलान का डर लग रहा है उनको कि चलान ना कट जाए, इसलिए वो चलती हुई गाड़ी में ही हेलमेट धीरे से खिसकाते हुए हाथ की तरफ और हाथ से सीधा पहन लिया, और जो स्लिप है या तो खुली हुई है या फिर वो जस्ट जैसे आपने कोई माला पहन रखी होती है ना तो वो गले में लटक रही है, तो क्या वो प्रोटेक्ट कर पाएगा? क्योंकि जितनी इजीली उन्होंने वो हेलमेट पहन लिया है, बाई चांस अगर वो डिसबैलेंस होते हैं तो उतनी इजीली वो निकल भी जाएगा। या हेलमेट पहन रखा है आपने और स्लिप लॉक नहीं की हुई, इट मीन्स आपने समझिए कि कैप पहन रखी है, तो वो कैप जो है आपकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगी। अब अगर हम बात करें हेलमेट नहीं पहन रखा है, नहीं पहनते जी, तो क्या हो सकता है? पता सबको है पहनना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं पहनते हैं, लेकिन नहीं पहनते हैं तो क्या हो सकता है ये जानना भी जरूरी है। अगर हेलमेट नहीं पहन रखा है तो हेड इंजरीज के जो चांसेस हैं वो 85% बढ़ जाते हैं आपके, या अगर आपने पहन रखा है तो 85% आपकी हेड इंजरी के चांसेस खत्म हो जाते हैं ऐसा मान लीजिए आप, और 45% जो हैं वो आपके डेथ के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं अगर आपने हेलमेट पहन रखा है तो। समझ रहे हैं आप कि कितना फर्क पड़ रहा है हेलमेट ना पहनने से टू व्हीलर, और जब भी आप टू व्हीलर पे चले हेलमेट जरूर पहने, और इसके साथ साथ प्लीज म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए सब लोग। अच्छा देन उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, हेलमेट कैसा होना चाहिए? हेलमेट में जो है आपका वो ब्राइट कलर या कंट्रास्ट कलर का हो,
या व्हाइट कलर का हो, ताकि नाइट में जो है एटलीस्ट कम से कम आपका हेलमेट जो है वो दूर से दिखाई दे, पीछे से आने वाली गाड़ी को आपका हेलमेट जो है दूर से चमकेगा, दिखाई देगा व्हाइट कलर का या कंट्रास्ट कलर का, तो जो पीछे से आने वाली गाड़ी है वो उस टू व्हीलर का जो राइडर है उसको सेफली जो है ओवरटेक कर पाएगा, ठीक है, हिट नहीं करेगा उसमें। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए अगर आपके घर में ऑलरेडी हेलमेट अवेलेबल है जो कि ब्लैक कलर का, तो क्या करें, आप उससे फेंकेंगे तो नहीं हम, तो क्या करना है आपको, रिफ्लेक्टिव टेप होती है जो आप ड्राइंग के समय यूज करते हैं, 1 इंच की रिफ्लेक्टिव टेप जो है वो आप लगा सकते हैं कंट्रास्ट कलर की, रेड कलर की, है ना, ताकि नाइट में जो है एटलीस्ट उसके थ्रू तो आप विजिबिलिटी बने रहे आपकी, तो हेलमेट जो है समझ गए आप, ISI मार्क हो यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हो, उसकी क्वालिटी टेस्टेड हो, बाहर से भी स्ट्रांग हो अंदर से भी सॉफ्ट होगा वो, और आपने स्किप लॉक कर रखी है उसकी, ठीक है, साथ ही साथ आपने जो हेलमेट है वो अच्छी क्वालिटी का ले रखा है, ठीक है ना, तो वो आपको प्रोटेक्ट कर पाएगा। नेक्स्ट वन है सीट बेल्ट, तो ज्यादातर आपने देखा होगा सिर्फ आगे बैठने वाले 2 लोग ही सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, पीछे बैठने वाले लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते, जबकि सबके लिए ही कंपलसरी है। अब कंपलसरी हमें इसलिए नहीं लगता कि पीछे बैठने वालों का कोई चालान नहीं कट रहा है, सिर्फ आगे अगर बैठने वाले सीट बेल्ट नहीं लगाते तो उसका चालान उनका चालान कट सकता है, तो पीछे वाले सोचते हैं कि हमें फ्रीडम मिल गई है, हम लगाए ना लगाए क्या फर्क पड़ता है उसको। तो आपको मैं एक डाटा बताना चाहूंगा कि इंडिया की हालत जो है ना, जैसे COVID-19 आप वो तो हमें दिख रहा है, फिगर दिख रही है, चीजें दिख रही हैं न्यूज में या न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं या न्यूज में देख रहे हैं हम, लेकिन जो रोड एक्सीडेंट है उसकी कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है इंडिया में। इंडिया की अगर हम बात करें, हर दिन 400 से ऊपर लोगों की डेथ हो रही है, हर साल 1.5 लाख एक्सीडेंट हो रहे हैं, हर 1 घंटे में 17 लोगों की डेथ हो रही है, या हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की डेथ हो रही है। तो हर 4 मिनट में अगर एक व्यक्ति की डेथ हो रही है, इट मीन्स ये भी बहुत ही सीरियस इशू है ना। और अगर हम वैसे बात करें रेशो में, डेथ के हिसाब से अगर हम बात करें, जो मान लीजिए अगर 100 लोगों की डेथ हो रही है, तो उसमें हेलमेट ना पहनने के कारण जो डेथ हो रही है वो 29% रेशो है इस पर। 29% लोग जो है हेलमेट ना पहनने के कारण लोगों की डेथ हो रही है, 16% जो है सीट बेल्ट ना लगाने के कारण लोगों की डेथ हो रही है। इट मीन्स ये दोनों इशू बहुत ही सीरियस इशू हैं, इनको जरूर आप ध्यान दीजिए। हम ये चाहते हैं कि आप लोग अपने घर के सेफ्टी एडवाइजर बने, और आप खुद तो फॉलो करें ही करें, जैसे हेलमेट के लिए और साथ ही साथ सीट बेल्ट के लिए कह सकते हैं, आप खुद भी लगाएं और अपने फैमिली मेंबर्स को भी कहें। मान लीजिए अगर आप किसी टू व्हीलर पर जा रहे हैं और आप अपने पापा के साथ हैं और आपने अपने हेलमेट लिया, चलने लगे हैं आप और आपने हेलमेट पहन लिया, आई एम श्योर कि 100% चांसेज हैं कि आपके पापा भी जरूर आपको देख के इंस्पायर होंगे, भी अगर उनका कोई इरादा नहीं था हेलमेट का तो वो भी जरूर अपना हेलमेट लेंगे और पहनेंगे, ठीक है। अब बात यह है कि आपके पास हेलमेट होगा तो आप पहनेंगे, इसलिए मैंने बताया कि जिस घर में अगर टू व्हीलर है तो 3 हेलमेट होने चाहिए हमारे पास, एक नहीं 3 हेलमेट होने चाहिए। तो ट्रेंड थोड़ा सा हमें चेंज करना है ये, ठीक है। और अब सीट बेल्ट के बारे में ना कुछ मिथ्स हैं लोगों के, ये सोचते हैं कि मेरी गाड़ी अगर आसपास से लोकल चला रहे हैं, हम अपने घर के आसपास ही जा रहे हैं, 10-15 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है गाड़ी या 20 किलोमीटर की चल रही है, तो हमें सीट बेल्ट लगाने की क्या जरूरत है, तो गाड़ी हम तेज थोड़ी चला रहे हैं, या गाड़ी जब हम हाईवे पे चलेंगे या खुली रोड पे चलाएंगे, तेजी से चलाएंगे, 40-50 से 60 की स्पीड पे चलाएंगे, तो जो है आप जो है सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लीजिए अगर आप अपनी कार में जा रहे हैं और स्पीड आपकी 20 किलोमीटर की है, और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पापा चला रहे हैं, बहुत ही अच्छे राइडर हैं, ठीक है, चाहे वो टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, आप भी साथ में हैं, तो जब हम अपने पेरेंट्स के साथ में, हम सिक्योर महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और बाई चांस सामने से एक दूसरी गाड़ी आ रही है जिसकी स्पीड जो है 70-80 किलोमीटर पर आवर की है, 70 से 80 किलोमीटर की स्पीड पर चल रही है, और उस कार का ड्राइवर अपनी गाड़ी को संभाल नहीं पाया और डिसबैलेंस हो गया और वो कार आके हमारी कार में हिट कर दिया उसने। अब हमारी 20 की स्पीड थी, सामने से आने वाली कार की स्पीड 80 की थी, इट मीन्स जब ये एक्सीडेंट होगा ना तो इम्पैक्ट आप पे भी 50 किलोमीटर की स्पीड का आएगा और उस गाड़ी में भी 50 किलोमीटर का इम्पैक्ट आएगा। मतलब अगर 50 किलोमीटर की स्पीड से आप कार चलाते हुए किसी में हिट करते हैं, उतना इम्पैक्ट आने वाला है। आपको लग रहा है ऐसा कि मेरी स्पीड कम थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंजरीज हो सकती हैं। तो जब भी आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करें, चलने से पहले इंश्योर हो कि आप सबने सीट बेल्ट लगा लिए, ठीक है। तो सीट बेल्ट अगर आप लगाएंगे, आप और आपके फैमिली मेंबर सब लोग, सीट बेल्ट लगाने के कारण क्या होता है कि आगे बैठने वाले जो हैं 45 यानी 45 से 50 उनकी इंजरीज और डेथ के जो है चांसेस कम हो जाते हैं आगे बैठने वाले
अगर आगे बैठने वाली सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, पीछे बैठने वाले जो लोग हैं अगर वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उनके 25-75% जो है डेथ और इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। ये तो हो गया एज ए इनडायरेक्ट वे में आप रोड यूजर थे, आप किसी के साथ को पैसेंजर थे, तो किस तरह से आपको अपने आप को और अपने फैमिली मेंबर को सेफ रखना है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ आप एक सेफ्टी एडवाइजर की तरह अपनी फैमिली को भी एडवाइस करेंगे, और नेचुरली जब आप 18 ईयर्स के होंगे तो आप भी रूल को फॉलो करेंगे। जब मैं किसी को टोक रहा हूँ, मना कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए या कोई एडवाइस कर रहा हूँ अच्छी, तो मैं अपने आप ही तो लागू करूंगा ना। तो यही हमारा मोटो है कि अभी से हमारे माइंड में या कंसेप्ट में ये चीज़ें रहनी चाहिए कि रोड सेफ्टी क्या होती है, ताकि जब हम 18 ईयर्स के हों, 18 ईयर्स के होने के बाद जब हम लाइसेंस बनवाने जाएँ तो भी हमें सेफ्टी मेजरमेंट के बारे में पता हो, प्लस अगर हमारा लाइसेंस बन गया है तो रोड पर कैसे चलना चाहिए उस चीज़ की हमें सेंस होनी चाहिए। अब बात करते हैं, अगर हम रोड पर मूव कर रहे हैं एज ए पेडेस्ट्रियन, तो रूल क्या है हमारा, सी थिंक एंड डू का, पहले हम देखेंगे फिर सोचेंगे और फिर करेंगे। ठीक है, तो एज ए रोड यूजर जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमारा काम होता है रुकना, स्टॉप। ठीक है, देन सी, फिर थिंक, देन डू। ओके, लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आपको देखो क्या दिखाई दे रहा है, एक बच्चा है जो रोड पर चल रहा है, सॉरी फुटपाथ पर चल रहा है, और एक कार है जो रोड पर चल रही है। तो यहाँ पर आपको कोई डेंजर दिख रहा है? कोई डेंजर नहीं है, क्योंकि सब सिक्योर है, पैदल चलने वाले फुटपाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो व्हीकल्स हैं वो रोड पर चल रहे हैं। लेकिन कुछ रोड ऐसी होती हैं जहाँ पर फुटपाथ ही अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ क्या करना चाहिए हमें? देखिए, वैसे अगर हम रोड का इस्तेमाल करते हैं दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं, या तो हम रोड को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, या रोड पर रोड की लेफ्ट या राइट साइड में चलने की कोशिश करते हैं हम, है ना। दो तरह से यूज करते हैं रोड को हम। तो बात कर रहे हैं अभी हम रोड के कॉर्नर पर चल रहे हैं, तो फुटपाथ है, फुटपाथ का इस्तेमाल किया हमने, और अगर जहाँ फुटपाथ अवेलेबल नहीं है वहाँ हम ट्रैफिक को फेस करते हुए चलेंगे, यानी रोड की राइट साइड में चलेंगे, जबकि हमारे यहाँ इंडिया में ट्रेंड क्या है कि हम रोड की लेफ्ट साइड में चलते हैं। नोटिस करना आप, जितने भी लोग चल रहे होंगे ना रोड के कॉर्नर पे, तो ट्रैफिक उनके पीछे से आ रहा होता है, जो कि गलत है। तो बाई चांस अगर कोई व्हीकल डिसबैलेंस हो गया और पीछे से आते हुए उसने हिट कर दिया तो आपको पता ही नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ट्रैफिक को फेस करते हुए चलेंगे तो क्या होगा, अगर बाई चांस व्हीकल आपकी तरफ आता भी है तो आप अलर्ट हो जाएंगे, आप अपने आप को सिक्योर कर सकेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया, अगर फुटपाथ है तो फुटपाथ का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज आपको ट्रैफिक को फेस करते हुए रोड पर चलना है, ताकि आप रोड पर चलते समय किसी हादसे का शिकार ना हो। इसके अलावा मुझे कुछ क्रॉस करनी है बेटा, लास्ट में ना हम रखेंगे सेशन, 5 मिनट का टाइम देंगे आपको, तब आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और देन उसके बाद अगर हम बात करें तो रोड क्रॉस करने के लिए हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग से अगर आप रोड क्रॉस करते हैं तो आप सेफ हैं। मान लीजिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपसे थोड़ा सा आगे है, तो आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग तक जाने के बाद ही रोड को क्रॉस करने की कोशिश करें। इसके अलावा फुट ओवर ब्रिज इस्तेमाल कर सकते हैं आप, उसमें आपको रोड में एंटर नहीं करना पड़ेगा, रोड के ऊपर से होते हुए आप रोड के दूसरी तरफ जा सकते हैं, या फिर आप सबवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रोड के नीचे से होते हुए रास्ता जाता है उसे सबवे कहते हैं हम, उसके थ्रू भी आप रोड को क्रॉस कर सकते हैं। तो इन तीनों ही कंडीशन में आप रोड को इजीली और सेफली क्रॉस कर सकते हैं, चाहे हमें थोड़ा सा जो है पैदल और ज़्यादा चलना पड़े, लेकिन अगर ये तीन फैसिलिटीज़ आपके पास हैं, उस रोड पर अवेलेबल हैं, आपको दिखाई दे रही हैं, तो आप उस फैसिलिटी तक जाकर ही उसको अवेल करें, तो शॉर्टकट नहीं मार रहे हैं आप। ठीक है, अब ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है हमें। ट्रैफिक सिग्नल जो है दो तरह के होते हैं, एक तो आपका सबसे पहले आप देख रहे हैं रेड, ग्रीन और येलो, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और देखा भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सिग्नल हैं ये आपके ट्रैफिक के लिए हैं। ट्रैफिक मीन्स जितने भी व्हीकल्स हैं जो रोड पर चल रहे हैं उसे हम ट्रैफिक बोलते हैं। ठीक है, साइकिल से लेकर ट्रक तक, ये उनके लिए है। ग्रीन का मतलब पता है आपको गो, रेड का मतलब आपको पता है स्टॉप, लेकिन येलो में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है हमें कि येलो जो है वो रेडी टू गो है या रेडी टू स्टॉप है। तो मैं इसका सीक्वेंस बताना चाहूँगा आपको, पहले रेड लाइट होती है, फिर ग्रीन होगी, देन येलो होगी, और येलो के बाद रेड होगी। येलो मीन्स रेडी टू स्टॉप, क्योंकि येलो के बाद रेड लाइट हो रही है, और येलो होने के बाद ये 4-5 सेकंड का टाइम लगता है रेड लाइट होने में। तो यही 4-5 सेकंड आपको अपने व्हीकल को रोकने के लिए दिए जाते हैं, अपनी गाड़ी को रोकने के लिए। तो जैसे आपने येलो लाइट देखनी है तो आपने स्पीड बढ़ानी नहीं है अपनी चौराहे में या इंटरसेक्शन में, आपको क्या करना है अपनी स्पीड को कम करना है, ब्रेक अप्लाई करनी है, और जब तक आपकी गाड़ी रुकेगी कन्फर्म है कि रेड लाइट हो चुकी होगी।
अब दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं पेडेस्ट्रियन लाइट, तो पेडेस्ट्रियन लाइट जो है वो पैदल चलने वालों के लिए, इसमें दो लाइटें हैं रेड और ग्रीन, रेड है तो नहीं रोड क्रॉस करनी, ग्रीन है तो रोड क्रॉस करनी है। ये दोनों ही लाइट जो है एक दूसरे की अपोजिट है, उल्टी हैं। अगर सिग्नल जो ट्रैफिक लाइट है आपका वो ग्रीन रेड है तो पेडेस्ट्रियन लाइट यानी पैदल चलने वाले की जो लाइट है वो ग्रीन होगी, लेकिन अगर ट्रैफिक वाली जो लाइट है वो ग्रीन है तो पैदल चलने वालों की लाइट जो है वो रेड होगी, ठीक है, क्योंकि एक समय में एक ही काम होगा, या तो ट्रैफिक चलेगा या फिर पैदल चलेंगे लोग, क्योंकि ट्रैफिक के बीच में पैदल चलोगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। अच्छा, जब भी हम अपने व्हीकल के साथ किसी भी सिग्नल पे रुकते हैं तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग को फ्री रखना है, उससे पहले एक स्टॉप लाइन है वहाँ रुकना है आपको। अगर आप आपके पेरेंट्स चला रहे हैं या फैमिली मेम्बर चला रहे हैं तो आपको उनको गाइड करना है कि आप जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े ना हो, क्योंकि आज की डेट में कैमरेज लगे हुए हैं सब जगह, और जेब्रा क्रॉसिंग में अगर हमारी गाड़ी पार्क होती है तो उसका चलान है, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग आपको फ्री रखना है पैदल चलने वालों के लिए जो रोड को क्रॉस करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब रोड क्रॉस कर रहे हैं हम, तो रोड क्रॉस हम ठीक है जेब्रा क्रॉसिंग से कर रहे हैं, तो एक हमें और आदत डालनी है कि जब भी हम रोड को क्रॉस करें ट्रैफिक की तरफ देखते हुए रोड को क्रॉस करना है, और ट्रैफिक की तरफ हमें अपने हाथ को उठाना जरूर है, अपनी हथेली को ट्रैफिक की तरफ करना है, ताकि आप उनको इंडिकेट कर सकें, बता सकें कि मैं रोड को क्रॉस करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ, आप अपनी गाड़ी को स्लो कर लीजिए या रोक लीजिए। क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग अगर बनी हुई है तो सबसे पहला हक जो है वो पैदल चलने वाले का है, आपकी गाड़ी को आपको रोकना होगा और पैदल चलने वाले को रोड क्रॉस करने के लिए आपको टाइम देना होगा, ठीक है। तो ये रूल सबके लिए लागू होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले अगर हम साइड पे चलते हैं, तो अगर बाय चांस आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे रोड क्रॉस करनी है और जेब्रा क्रॉसिंग भी अवेलेबल नहीं है, साथ ही साथ आपको उस रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग तो नहीं है, साथ ही रोड फिर भी हमें क्रॉस करनी है, ठीक है, और रोड क्रॉस करनी है तो सबसे पहले क्या करना है, हमें राइट देखना है, लेफ्ट देखना है, देन अगेन राइट देखना है। ये जो मैंने सीक्वेंस बताया ना, ये सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं कि पहले आप लेफ्ट देख लेंगे फिर राइट देखेंगे, नहीं पहले राइट ही देखना है आपको, ठीक है। राइट इसलिए देखना है कि जब भी आप रोड को क्रॉस करते हैं हमेशा ट्रैफिक आपके राइट साइड से आ रहा है, तो उस समय हमें उसकी स्पीड का आइडिया नहीं होता कि कितनी तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। तो पहले मैंने देखा राइट साइड एक मोटरसाइकिल आ रही है या कार आ रही है, काफ़ी दूर है, मुझे उसकी स्पीड का आइडिया नहीं है। फिर मैंने लेफ्ट देखा, कोई अपोजिट डायरेक्शन से आता तो नहीं, कोई बैटरी रिक्शा या कोई और गाड़ी आ रही हो जो उल्टी तरफ से आ रही हो, रॉन्ग डायरेक्शन से आ रही हो, वो हिट कर सकती है आपको। तो मैंने लेफ्ट देखा तो लेफ्ट में भी कोई नहीं था, देन अगेन एक बार फिर से राइट देखेंगे, हो सकता है वो जो गाड़ी अभी आपको बहुत दूर दिख रही थी वो बिल्कुल आपके पास आ चुकी हो, है ना। तो इसलिए पहले राइट देखेंगे आप, लेफ्ट देखेंगे आप, और फिर राइट देखने के बाद अगर आपको लग रहा है नाउ यू आर सेफ, ठीक है, अगर आपको लग रहा है आप सेफली रोड को क्रॉस कर सकते हैं, तभी आपको रोड को क्रॉस करनी है। रोड क्रॉस करते समय कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अब मान लीजिए अगर आप बस में ट्रेवल करते हैं, आप आपको जब भी घर से निकलना है बोलो बिफोर टाइम निकलें आप, ठीक है बोलो, कि अगर आप बस स्टैंड पे देर से पहुंच रहे हैं, होता क्या कि जैसे आप आपने देखा कि सामने आपकी स्कूल बस आ गई है, अभी आप रोड के दूसरी तरफ, मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ कह रहा हूं मम्मी, मैं प्लीज मम्मी मेरा मेरा कच्चा, एक मिनट मैं बोल देता हूं, क्या कह रही हूं, क्या कह रहा हूं सर, आपको सर को म्यूट कर दीजिए, हाँ ठीक है सर। मम्मी तुम ऐसा बोलती हो, ठीक है बेटा। तो देखिए, जब भी आप बस में कोई आपका मतलब स्कूल बस लगी हुई है आपकी और उसके थ्रू जाते हैं आप अपने स्कूल में, तो बिफोर टाइम पहुंचे हैं आप, ताकि आपको जो है वो एकदम भागना ना पड़े बस के पीछे। और साथ ही साथ जब भी आप स्कूल से स्कूल बस के लिए जाते हैं, मान लीजिए अगर आप 15-20 सेकेंड या आधा मिनट भी आप देर से पहुंचते हैं और बस ड्राइवर अंकल है उनको रोकना पड़ रहा है, आपकी वेट करनी पड़ रही है, तो समझ लीजिए अगर किसी बस का कोई स्टॉपेज है और उस स्टॉपेज में क्या है 15 स्टॉपेज हैं, अगर हर जगह जो ड्राइवर है आधा आधा मिनट भी उसको देर हो रही है, तो इट मीन्स वो 7-8 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुका है।
और उसके कारण क्या होगा, उन्हें थोड़ा तेज चलाना पड़ सकता है, और अगर वो तेज चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस भी हैं उनके, ठीक है। तो आपको बिफोर टाइम पहुंचना है वहाँ, ताकि ड्राइवर अंकल को भी जल्दी जल्दबाजी ना करनी पड़े और वो भी अपनी गाड़ी को सेफली चला सके, ठीक है। वरना हम क्या कहते हैं कि ड्राइवर अंकल तेज चला रहे थे इसलिए जो है वो स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया, तो गलती हमारी भी हो सकती है ना, क्योंकि हम टाइमली नहीं पहुंचे। तो बार बार जहाँ जहाँ बच्चों को पहुंचना चाहिए, अगर वो टाइम से पहुंचेंगे बस आएगी, बस रुकते ही सारे बच्चे चढ़ जाएंगे, बस जो है वो आगे चल पड़ेगी, ठीक है। मान लीजिए अगर आप बस में बैठ चुके हैं, आप बैठने के बाद ये नहीं आपने शोर शराबा करना है या बस में कूदना है आपने, बस में आप तुरंत बैठने के बाद सेटल डाउन हो जाएंगे। अगर बाई चांस कभी इमरजेंसी ब्रेक लगती है तो ऐसा ना हो कि आप एकदम से जोर से गिरे और कोई चीज़ आपके सिर में लग जाए या कोई और लग जाए, तो बैठते सारी हमें तुरंत सेटल डाउन होना है। अगर बाई चांस कोई इमरजेंसी होती है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको पैनिक नहीं होना, चिल्लाना नहीं है, आपको चुपचाप शांत होकर अपनी सीट पर बैठे रहना है। ड्राइवर अंकल जो कंडक्टर अंकल है वो अपने आप से सिचुएशन से जो हैंडल है उसको कर लेंगे, ठीक है। और जब भी आपका स्टॉपेज आए तो आपको खड़े नहीं होना है, जब आपकी गाड़ी रुक जाए आपके स्टॉप पे देन आपको खड़े होकर जो है डोर तक आना है। पहले से मतलब इन एडवांस से आपको खड़े होकर वहाँ डोर तक नहीं जाना है, क्योंकि अगर अचानक से ब्रेक लगाई तो आप गिर सकते हैं। रोड क्रॉस करते समय एक ये बहुत बड़ी आप देख रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जो रोड पर ऑलरेडी गाड़ियां पहले से खड़ी होती है ना, उनके बीच में से कभी रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ताकि उससे होता क्या है कि विजिबिलिटी हमारी प्रॉपर नहीं होती है। अब मान लीजिए दो आपकी स्कूल बसेस खड़ी हैं, दो है ना, आप बीच में से निकले हैं और रोड क्रॉस करना चाह रहे हैं, अब उसके कारण क्या हो रहा है, आपको राइट और लेफ्ट कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, या कोई कार पार्क है, आपकी हाइट कम है, कार से भी छोटी हाइट है आपकी, तो कार के आगे से होते हुए आप ये बीच में से निकलेंगे तो एकदम से पीछे से आता हुआ ट्रैफिक आपको दिखाई नहीं देगा। अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है कि गाड़ियां वहां पर ऑलरेडी पार्क हैं, तो आप थोड़ा सा उससे दूर चले जाइए, या तो आगे चले जाइए या तो पीछे चले जाइए, ताकि विजिबिलिटी आपकी थोड़ी प्रॉपर हो जाए ना, कुछ मतलब कुछ फीट आगे जाके या कुछ फीट पीछे जाने के बाद ही आपको रोड को क्रॉस करना है। अगर आप अपनी स्कूल बस से उतरे हैं और आपका जो डेस्टिनेशन है यानी कि आपका जो घर है रोड के दूसरी तरफ है, तो ऐसा नहीं है कि आप जैसी बस से उतरे उतरते एकदम से रोड क्रॉस करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप उतरते रोड क्रॉस करने की कोशिश करेंगे और बस के आगे से होते हुए जाएंगे तो ड्राइवर अंकल को आपको देख नहीं पाएंगे। तो आप उतर जाइए, अपने बस स्टॉप पे उतरिए, आराम से खड़े हो जाइए, जैसे ड्राइवर अंकल अपनी सारे बच्चे उतारने के बाद बस आगे ले जाएंगे, देन उसके बाद आप अच्छे से रोड पर देख पाएंगे। तो बस के जाने के बाद ही आपको रोड को क्रॉस करना है, ठीक है। खड़ी हुई बस के आगे से रोड को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ड्राइवर अंकल काफ़ी हाइट पर बैठे होते हैं, कई बार बच्चा आगे से एकदम से रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है, भाई जैसे उतरा उतरते मैं फटाफट से रोड क्रॉस करूँ अपने घर की तरफ चला जाऊँ, तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो जब भी आप अपनी बस से उतरेंगे, उतरते ही आपको पहले रुकना है, बस को जाने देंगे, देन उसके बाद रोड क्रॉस करनी है आपको, ठीक है। रात के समय में अगर आप रोड पर चलते हैं, जैसे टू व्हीलर पर भी हैं आप या पैदल चल रहे हैं, तो रिफ्लेक्टिव कपड़े होने चाहिए आपके। रिफ्लेक्टिव मीन्स आपके वाइट कलर के कपड़े हों, कंट्रास्ट कलर के हों, या रिफ्लेक्टिव जैकेट आती है वो पहन सकते हैं आप, तो नाइट में आपको प्रॉपर विजिबल रह पाए आप, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको रोड पर चलते समय। किसी बच्चे की कोई क्वेरी या कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है, क्योंकि सेशन का टाइम जो है आई थिंक शायद ओवर होने वाला है। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है अभी तक का जो मैंने बताया? गर्व, आप प्रश्न पूछना चाह रहे थे, गर्व प्रश्न पूछिए। हेलो सर, जैसे कि आजकल हमारे देश की सड़कों पे अतिक्रमण हुआ है, लोग हर जगह फुटपाथ पे दुकाने लगा लेते हैं, तो अगर हम उनसे क्रॉस करने के लिए कहते हैं तो रूट भाषा में बात करते हैं, और उनके भी एक्सीडेंट को गाड़ियां जा रही होती है तो कभी उनके एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, तो गवर्नमेंट ने ऐसा कोई अभी तक रूल नहीं बनाया कि जिससे ये रोका जा सके अतिक्रमण? रूल बना हुआ है जो एमसीडी है ना, एमसीडी का काम है ये, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है वो, इसी उसका काम यही है कि अगर कोई अतिक्रमण करता है तो उसको वहाँ से हटाया जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि आपके घर के आसपास कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जो है अतिक्रमण किया कर रखा है, तो उसकी फोटो खींच सकते हैं आप। फोटो खींचने के बाद एमसीडी डिपार्टमेंट है वहाँ पर आप मेल कर सकते हैं ताकि आप क्लियर कर सकें। सर, जो मेरा बस स्टैंड है ना जहाँ से मैं उतरता हूँ या फिर चढ़ता हूँ, सर वहाँ पे ना सर फुटपाथ पे सर नारियल पानी की शॉप है सर, वहाँ पे जब म्युनिसिपैलिटी आती है तो वो एक दिन के लिए हटा लेते हैं सर, पर अगले दिन से वो दोबारा लग जाती है। हाँ बेटा, ये देखो ये तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन हम सिर्फ कंप्लेन कर सकते हैं, हम उनसे लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ना वो ठीक नहीं है। हम जो कंसर्न अथॉरिटी है हम उनको जो है मैसेज दे सकते हैं, अपनी कंप्लेन जो है वहाँ लिखा सकते हैं, तो ये हो सकता है।
क्योंकि देखिए दिल्ली बहुत बड़ी है, ठीक है, तो सब जगह तो पॉसिबल नहीं है उनका, लेकिन हाँ अगर हम अपनी तरफ से उनके कोई कंप्लेंट देते हैं कि यहाँ पर इस जगह पर जो है हमें प्रॉब्लम हो रही है, फुटपाथ का जो है वो अतिक्रमण कर रखा है, ठीक है, ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसके कारण हमें दिक्कत हो रही है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का काम है, वो अपने उनका ट्रक आता है, उस ट्रक के अंदर जितना भी सामान है वो फुटपाथ से उठाएंगे और उसको लोड करके ले जाएंगे और साथ ही उनको फाइन भी करेंगे। सर इसके लिए कोई स्पेशल नंबर है या फिर कोई स्पेशल ऑफिस? नेट पे ना सब अवेलेबल है, तो अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। आप अपने ओके सर, वो सर्च कर लेंगे, ठीक है बेटा। थैंक्स सर, वेलकम बेटा। ठीक है, किसी और बच्चे को कोई क्वेरी हो, कोई और बच्चा कुछ पूछना चाहे? चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास जो दो चार मिनट पड़े हैं मैं उसमें भी कोई हो सकता है यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि आजकल ना बच्चे जो हैं वो मैंने देखा है कि टू व्हीलर चलाने की कोशिश करते हैं, ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं, अभी 18 साल के नहीं हुए हैं फिर भी रोड पर जा रहे हैं, स्कूल जाने की कोशिश करते हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं जो लॉ है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ आपको। तो जैसे आप देख रहे हैं ना ये मोटर व्हीकल एक्ट है 1988, तो इसके हिसाब से हमें क्या पता लग रहा है कि अगर तो सेक्शन 194 के हिसाब से क्या है कि अगर हम कार में चलते समय सीट बेल्ट नहीं लगाते तो 1000 रुपीज का चलान है, पहले 100 का था अब 1000 का हो गया, और अगर ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं टू व्हीलर पर तो 1000 रुपीज का फाइन है, पहले ये भी 100 था। 194D के हिसाब से अगर आपने हेलमेट नहीं पहन रखा तो पहले 100 रुपए का फाइन था, वो भी 1000 रुपीज का हो गया, ठीक है, और ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो पहले 400 का फाइन था, अब 1000 से लेकर 2000 रुपीज तक का फाइन हो सकता है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो जिनके पास लाइसेंस है, जो वैलिड है चलाने के लिए, उनके लिए ये, ठीक है। और ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो पहले 500 रुपए का फाइन था, अब 5000 से लेकर 10000 रुपए तक का फाइन है अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है आपके पास, इट मीन्स आप तो एलिजिबल है ही नहीं है, ये अभी आप छोटे 18 साल के। ओके, अगर आप 18 साल के नहीं है और फिर भी आप चला रहे हैं तो क्या होने वाला है, क्योंकि ये लॉ नहीं था पहले, अभी अमेंडमेंट हुआ है, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिसके नाम पर गाड़ी है, अगर मान लीजिए कोई जो माइनर है और चला रहा है और गाड़ी को हिट कर दिया है, एक्सीडेंट कर दिया है, तो जो जिसके नाम पर वो गाड़ी है आपके, चाहे पेरेंट्स हो या अदर वन हो, उनके ऊपर जो है वो केस चलेगा, ठीक है। ये कसूर उनका माना जाएगा कि उन्होंने जानबूझ के चाबी दी है गाड़ी की बच्चे को चलाने के लिए, तो उनके ऊपर जो है वो केस चल सकता है, 25000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है उनके ऊपर, और 3 साल तक की सजा भी हो सकती है जिसके नाम पर गाड़ी है, ठीक है। और बच्चे पर भी जो है वो एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, बाल सुधार गृह सुना है आपने, तो केस चलता है बच्चे पे भी, और साथ ही साथ 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है उस गाड़ी का, मतलब वो गाड़ी 1 साल के लिए रोड पर नहीं आ सकती है जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। इसके अलावा जिस बच्चे ने अगर वो एक्सीडेंट किया था उसका लाइसेंस जो है वो 18 ईयर्स में अप्लाई नहीं कर सकता, वो अगर रिकॉर्ड में चढ़ गया एक बार तो 25 साल से पहले तो वो अप्लाई नहीं कर सकता अपने लाइसेंस के लिए, ठीक है, और 2000 रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा साथ में तब। तो इट मीन ये समझ लीजिए कि अगर रोड पर चलते समय कोई बच्चा चला रहा है और एक्सीडेंट हो जाता है तो कितना खतरनाक हो गया वो आपके लिए तो है ही है, जिसमें हिट किया आपने उनके लिए भी प्रॉब्लम हो गई और साथ ही साथ आपके पेरेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, समझ रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स को जो है वो इम्प्रिजनमेंट हो, कोई मतलब जेल वगैरह हो जाए 3 साल की, ऐसा कुछ हो जाए, नहीं होना चाहिए ना बेटा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको ड्राइव नहीं करना है, ठीक है, आपको किसी की नकल नहीं करनी है कि दूसरा बच्चा चला रहा है मुझे भी चलाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि अगर एक 18 साल से कम उम्र का बच्चा चला रहा है तो वो गलती कर रहा है, आप नहीं चला रहे हो तो आप समझदार हो, ठीक है, ये मेजरमेंट है। ये नहीं कि जो चला रहा है जी वो ज्यादा शार्प है या ज्यादा मतलब तेज है लड़का वो चला पा रहा है, क्योंकि आप नोटिस करना, एक छोटा सा एग्जांपल वो ले लीजिए, आपके पापा ड्राइव करते हैं आपने देखा है ना, एक जो बच्चा 18 साल का भी नहीं हुआ है एक वो ड्राइव कर रहा है, आप कंपेयर करना कि आपके पापा कैसे चला रहे हैं टू व्हीलर को और वो बच्चा कैसे चला रहा है, आप देखोगे नोटिस करोगे जो बच्चा चला रहा है ना वो चला रहा है एक्साइटमेंट में, फुल स्पीड देके भगाने की कोशिश कर रहा है, 3 दिन बच्चे बैठे हुए हेलमेट का पता नहीं है, कई बार तो ऐसे होता है कि मैं वो पीछे से किसी को हिट किया, किसी बुजुर्ग को मार दिया, टक्कर दिया, किसी और को मार दिए, तो ऑन द स्पॉट ही डेथ होगी उस पर्सन, हालांकि उस बच्चे की ऐसी अटेंशन नहीं थी किसी को हिट करने की, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाया रेस को, है ना,
और हिट कर दिया। तो इसी 18 ईयर्स की एज रखी गई है कि आप कुछ समय तक मेंटली थोड़ा सा मेच्योर हो जाते हैं और एक गुड डिसीजन मेकर हो जाते हैं, है ना। तो इसी 18 ईयर्स की जो एज मतलब गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई है वो बहुत सोच समझ के रखी गई है, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ हमें लगता है कि जो बैटरी वाली आपने देखा होगा उसको प्ले ले लेते हैं बच्चे, कि बैटरी वाला व्हीकल तो चला सकते हैं हम, है ना। यस सर, बैटरी वाला व्हीकल। हाँ, बैटरी वाला जो व्हीकल है वो मैं पर्सनली एडवाइज नहीं करूंगा आपको कि आप रोड पर जाएं, क्योंकि जब आप रोड पर जाते हैं ना, लाइसेंस का मतलब समझ रहे हैं आप, लाइसेंस का मतलब ये है कि जब आप रोड पर लाइसेंस मिला है आपको, किस बेस पे मिला है, कि अब आपको ट्रैफिक रूल्स के बारे में अच्छे से जानकारी है तो लाइसेंस मिला आपको, आप अच्छे से चलाना जानते हैं तो लाइसेंस मिला है आपको, क्योंकि आजकल वहाँ जब आप ट्रायल लेने जाते हैं कैमरे लगे हुए हैं, प्रॉपर आपको अच्छे से चला के दिखाना पड़ता है वरना वो फेल कर देते हैं। लाइसेंस का मतलब यही है कि नाउ यू आर एलिजिबल, आप अब चला सकते हैं रोड पर, इसकी परमिशन दे दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि आप बैटरी वाली गाड़ी है उसको भी लेकर रोड पर ना जाएं, क्योंकि रोड यूजर हैं आप, रोड पर इस्तेमाल करेंगे तो बाकी लोग भी रोड पर चल रहे हैं और आप भी चल रहे हैं, आपको समझ है नहीं कि सर आई हैव डाउट। सर एक्सक्यूज मी सर, आप सर एक्सक्यूज मी सर, मैं रवि सर बोल रहा हूं। आपने सर मनप्रीत सर आपने हमारे बच्चों को, हमारे विद्यालय के बच्चों के लिए बहुत अच्छी जानकारियां दी, ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। रोड सेफ्टी के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बच्चों ने बहुत अच्छे जाना इसको। मैं विद्यालय की तरफ से और प्रधानाचार्य जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ दोनों को, मनप्रीत सर आपको भी और निशा मैडम ने ज्वाइन किया है, मैम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला हमारे, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सक्सेना जी हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, प्रिंसिपल हैं उनको भी, कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी हमें कि हम बच्चों के साथ कनेक्ट हो पाएं और बच्चों को एजुकेट कर पाएं, क्योंकि यही लोग जो है फ्यूचर राइडर है हमारे। सर हाँ जी सर,